हेलो फ्रेंड, मैं हूं वीर और हमारा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो यूट्यूब में राज करने वाला मनोज डे के बारे में। मनोज डे ने रिसेंटली एक वीडियो में बताया है कि यूट्यूब ने उसको चीट किया है, यूट्यूब ने मनोज डे को धोखा दिया है। आखिरकार क्या है राज, क्या ये सच है और झूठ? ये वीडियो आखिरकार बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यू जो यूट्यूबर आने वाला है उसके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होगा, तो अंत तक देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा चैनल अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चले दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो से मैं आप लोग बताऊंगा दोस्तों कैसे YouTube ने मेरे साथ चीट किया है, ठीक है। और ये चीट जो है, ये चीटिंग आपके साथ ये धोखा ना हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जो कि गलती मैंने करी है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, नहीं तो मैं ऐसा करता ही नहीं। क्या चीज़ है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। YouTube पे जो है आपको नो कॉपीराइट सॉन्ग्स मिलता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसमें आपको कॉपीराइट नहीं आता है। कॉपीराइट फ्री वाले बहुत सारे म्यूजिक्स मिलते हैं YouTube पे, तो उसी तरह से दोस्तों एक YouTube पे चैनल है। आप यहाँ पे जब सर्च करोगे, मैं अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो गाइस यहाँ पे जैसे आप अपना YouTube के एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे एक सर्च करोगे ब्लॉग नो कॉपीराइट, ठीक है, म्यूजिक ये लिख करके सर्च करोगे तो गाइस आपके सामने एक चैनल आएगा जिसका नाम है ब्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक। यहाँ पे आपको ब्लॉग्स बनाने के लिए, अपने ब्लॉग पे म्यूजिक डालने के लिए म्यूजिक मिलता है। आप इन म्यूजिक्स को अपने ब्लॉग पे भी डाल सकते हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो पे डाल सकते हो। तो मैंने दोस्तों इस वाले चैनल पर देखे बहुत सारे आपको म्यूजिक मिलता है जो कि आप अपने वीडियोज पे यूज कर सकते हो और ये नो कॉपीराइट है, आपका कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं किसी एक वीडियो को इसके ओपन करता हूँ, किसी एक सॉन्ग को, तो इनके चलिए मैं यहाँ पे देखिए गाइस इनके डिस्क्रिप्शन पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाइसेंस में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोज, ठीक है, बट यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन, कॉपी एंड पेस्ट। जो नीचे ये जो सॉन्ग का क्रेडिट है और लिंक है, वीडियो लिंक, इसको कॉपी करना है और आपको अपने उस वीडियो पे इनका डिस्क्रिप्शन में इसका क्रेडिट दे देना है। सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि आप इसको फ्री यूज कर सकते हो अपने वीडियोज पे, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करके मेरे इस वीडियो का, मतलब इस गाने का म्यूजिक का आपको क्रेडिट देना होगा। तो मैंने दोस्तों मैंने क्या किया था कि आज से मेरा जो ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो, आज मैं एक साल डेढ़ साल पहले से मेरा ब्लॉग चैनल मैं चला रहा हूँ और डेढ़ साल पहले बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिन पे मैंने इस चैनल के बहुत सारे म्यूजिक्स को जो है अपने वीडियोज पे यूज किया है। और उस वीडियो पे यूज करते हुए गाइज मैंने इनके वीडियो का जो है, इनके जो सॉन्ग का ये है क्रेडिट है वो भी मैंने दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मनोज देव ब्लॉग्स, ठीक है, तो मनोज देव ब्लॉग्स में मेरा घर बोल के एक वीडियो है, ठीक है, तो मेरा घर मैंने ओपन किया, ये देखिए मैंने यहाँ वीडियो ओपन किया, तो इनके डिस्क्रिप्शन में मैं देखिए इस पे जो है एक उनका म्यूजिक मैंने यूज किया है और ये देखिए मैंने यहाँ पे इनका लाइसेंस भी देखिए दे रखा है क्रेडिट। अभी आप देख सकते हो सॉन्ग फ्रेड जी बोल के सॉन्ग का नाम था हैप्पी लाइफ, ब्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक का मैंने यूज किया था, देखिए यहाँ पे क्रेडिट भी मैंने दे रखा है और उसके बावजूद गाइस यहाँ पे देखिए हैप्पी लाइफ ने कॉपीराइट लगा दिया। दोस्तों दरअसल ये हो रहा है कि इस चैनल के मैंने जितने भी सॉन्ग्स बहुत सारे पुराने वीडियोज के मैंने जो है अपने ब्लॉग्स पे मैंने इनके इस चैनल का बहुत सारा सॉन्ग को यूज किया था म्यूजिक को, ठीक है, बहुत सारे वीडियोज पे, उन सारे वीडियोज पे गाइस आज से डेढ़ साल पहले का वीडियो है, सब में धीरे धीरे कॉपीराइट मार रहा है ये चैनल वाला। अब इसमें गलती चैनल वाले का है प्लस यूट्यूब का भी है, यूट्यूब को भी तो ये देखना चाहिए कि इन्होंने जो है क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट देने के बाद भी आप कॉपीराइट लगा रहे हो, जबकि आपने खुद ही लिख के रखा डिस्क्रिप्शन में कि कॉपीराइट आपको नहीं लगेगा अगर आप क्रेडिट देते हो, तो आप बताइए यहाँ पर गलती किसकी हुई। और दोस्तों अभी मैं बता दूं मेरे बहुत सारे वीडियोज पे इस तरह का है और धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, रोज एक दो वीडियो पे मेरा रोज का कॉपीराइट आ रहा है, मतलब आज से मैंने जो डेढ़ साल मेहनत करी है वो मेहनत पूरा का पूरा बेकार हो गया, मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है अब, ठीक है, अभी रुपया अर्निंग अब नहीं हो रहा है मेरे इन सब वीडियोस पे जिन पे कॉपीराइट लग रहा है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है आपका जो डॉलर अर्निंग होता है वो उस कंपनी को चला जाएगा जिनका आपने म्यूजिक यूज किया है। तो ये आप बताइए कि ये किस तरह का चीट मेरे साथ हुआ है, आप लोग खुद ही बताइए। अगर आप लोग विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक चाहिए तो यूट्यूब का खुद ऑफिशियल, अभी यूट्यूब खुद से देता है कॉपीराइट विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक, उसको सबसे ज्यादा सेफ वो है। और एक NCS बोल के चैनल है, उनके चैनल का वीडियो आप लोग जो है उनके म्यूजिक की यूज कर सकते हैं, वो लोग कॉपीराइट। आशा करता हूँ आप सब कुछ समझ गए हो, बहुत नॉलेज आपको गेन हुआ है इस वीडियो के थ्रू। ब्लॉग नो कॉपीराइट, तो नो कॉपीराइट से भी जो म्यूजिक आते हैं वो मनोज डे ने यूज़ किया था और उसके साथ तो क्रेडिट भी दिया था जो वीडियो में यूट्यूब ने बताया था, इसके बावजूद उसको कॉपीराइट क्लेम कर दिया।
एक साल बाद। तो सावधान रहिए, खुद का जो म्यूजिक डाला है यूट्यूब पर वही म्यूजिक आप डालो तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि ये गलती दोबारा आप ना करें, यही मकसद से हमने ये वीडियो को बनाया है। आशा करता हूँ अच्छा लगे हो, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।